सिंह लालपुरा के आवास पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां प्रार्थना हो रही थी, उसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं यहां पर और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल संगत को संबोधित भी करेंगे। सुधाकर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से खासकर सिख समुदाय को लेकर जिस तरह के दर्द भी दिए गए, उन दर्द को महसूस करना, उसे दूर करने का एक बड़ा प्रयास रहा मोदी सरकार का, जिसमें अगर हम बात करें तो 1984 के दंगों में शामिल या फिर उस दर्द को कम करने के लिए सिख समुदाय को एक राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन ये यही नहीं थमा, ये सिलसिला जारी रहा। और हम इसको भी देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को अध्यक्ष बनाए जाना भी एक बड़े बदलाव के तौर पर ही देखा गया उस सोच में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये एक सोच की देश में, हम जानते हैं कि उन्होंने, पीएम मोदी ने हाल ही में एक सिख समुदाय के डेलीगेशन ने जब उनसे मुलाकात की थी, तो पीएम मोदी ने जो सिख समुदाय जो देश में ही नहीं है, पूरी दुनिया में हम जानते हैं किस तरह से वो परिश्रम करते हैं, उनको राष्ट्रदूत की संज्ञा दी थी। तो एक तरह से राष्ट्रदूत के तौर पर सिख समुदाय पूरी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं बिल्कुल सरकार के भीतर भी अहम पदों पर शामिल करने की बात हो या फिर उनके उनके व्यूज को, वैल्यूज को आगे बढ़ाने की बात हो, उसमें लगातार तत्परता रही है। देखिए, बहुत छोटे छोटे मुद्दे थे। ऋतु, आप देखिए, 1984 का दर्द दंश किसने नहीं देखा, सिख समुदाय ने तो उस दर्द को झेला है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता था। लेकिन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में आना पड़ता है सिख समुदाय को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को जेल के शिक्षों के पीछे भेजने के लिए। ठीक उसी तरह हम जानते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग जो लंगर है उसमें अपना इंटरनेशनली वो योगदान कर सके, उसके लिए एक तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी, उस व्यवस्था को FCRA क्लियरेंस की व्यवस्था नहीं थी, तो वो व्यवस्था उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है। आप देखिए, जब करतारपुर कॉरिडोर आजादी के बाद से 7 दशक तक नहीं बन पाया, लेकिन अगर बन पाया तो वो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बन पाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक संवेदनशीलता है उनकी, और हम जानते हैं कि जब वो सार्वजनिक पद पर भी नहीं थे और किस तरह से इमरजेंसी में वो एक सिख धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर अपना वेश बनाकर वो रहे लंगर में, गुरुद्वारों में उन्होंने अपना समय बिताया, उस बात को वो आज भी याद करते हैं, उस बात से वो आज भी प्रेरणा लेते हैं। तो गुरुओं का जो संदेश है, खासतौर से गुरु नानक जी का जो संदेश है, तो उसकी बात वो अपने जो उनका भाषण है, आप उनके भाषणों को भी सुनेंगे तो उसमें उसकी वो चर्चा करते रहते हैं। गुरु नानक जी, उन्होंने एक तरह से जो पाप जुल्म के खिलाफ एक वक्त में जो आवाज उठाई थी, उन तमाम चीजों की वो चर्चा करते रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा भी था कि एक तरह से गुरु नानक देव और उसके बाद जो अलग अलग गुरु हैं, उन्होंने भारत की चेतना को प्रज्वलित रखा, भारत को सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया, और एक तरह से जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तो उन्होंने बीते दिनों जिक्र भी किया था, तो गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पूछू जाति, आगे जात न है, सभी में भगवान के प्रकाश को देखे उसे पहचाने, किसी की जाति ना पूछिए, इसका ये एक बड़ा संदेश था। तो आज प्रधानमंत्री आज इस संदेश को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, देश को कैसे एकजुट किया जाए, एकता के सूत्र में पिरोया जाए। तो मुझे लगता है कि आज जब वो संदेश देंगे तो गुरु नानक जी के संदेशों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनसे हम सब, सिर्फ सिख समुदाय नहीं बल्कि पूरे भारतवासी, पूरी दुनिया के लिए उनके संदेशों में सीख है, तो उसको आगे रखने की कोशिश कर सकते हैं। जी सुधाकर, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसी देश तक सीमित नहीं है, और आज का इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना एक बड़ा संदेश अल्पसंख्यक समुदाय को कि किस तरह से
मोदी सरकार ने शुरुआत से लेकर अभी तक उन तमाम कदमों को ही नहीं शामिल करा जो सिख समुदाय को एक तरह से एक नया रास्ता और मजबूती दे, बल्कि तमाम उन कार्यक्रमों के जरिए भी और संस्थागत तौर पर भी कई बड़े बदलाव करते हुए सिख समुदाय को व्यवस्था में उनकी एक एक जगह और खासकर 1984 का जो नरसंहार था, जो एक कह सकते हैं एक खाई पैदा हुई थी, उस खाई को खत्म करने के तमाम कई प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है ऋतु की अभी हाल ही में हम जानते हैं कि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आता है और उस दौरान हमने देखा कि गुरुद्वारों में पीएम मोदी के लंबी आयु के लिए अरदास की गई। तो ये जो सिर्फ पीएम मोदी का सिख समुदाय के प्रति संवेदनशीलता उनके लिए प्यार नहीं है, बल्कि सिख समुदाय भी ठीक उसी तरह उनको प्यार करता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से लोग आए, पीएम मोदी से लगातार वो मिलते हैं, मिलते रहते हैं और पीएम मोदी ने उनको कहा भी कि एक तरह से वो उनके घर पर कभी सिख संतों के चरण अगर पड़े तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वो इस बात को रखते रहे। और देखिए, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और अध्यात्म तक सीमित नहीं है ऋतु, बल्कि हमारा राष्ट्र, राष्ट्र का जो चिंतन है, राष्ट्र की आस्था, अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके मूल में अगर कहें तो हमारे सिख गुरुओं की महान तपस्या ही है। और गुरु नानक जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक जी जिन्होंने पाप और जुर्म की तलवार को लेकर जो बाबर उस वक्त आया था, तो एक तरह से कैसे उससे एक तरह से निकला जाए उसका एक संदेश दिया था, उसके लिए किस तरह से एकजुट होना पड़ेगा सोसाइटी को, उसको उन्होंने एकजुट किया था। निश्चित तौर पर आज देश जब विकसित होने के रास्ते पर है, जब देश अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य तय कर रहा है जिसमें एक महत्वपूर्ण एक भूमिका एकता एकजुटता की रहने वाली है, सिख समुदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, और उस वक्त में गुरु नानक देव जी के संदेश, एकता एकजुटता के संदेश, मानव जात के कल्याण का संदेश, एक तरह से अपने गुरुओं को, अपने अपने विरासतों को संजोने का, गुलामी के प्रतीक को छोड़कर आगे बढ़ने का एक तरह से संकल्प, तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए, आप सिर्फ गुरु नानक देव जी की बात नहीं है, आप देखिए साल 2016-17 में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव जो 350 साल का पुण्य वर्ष था उसको किस भव्य तरीके से मनाया गया। साल 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। बिल्कुल सुधाकर, जिन बातों को आप कह रहे हैं उसी में अगर हम शामिल करें, लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया था और उसमें भी कई ऐसे संदेश प्रधानमंत्री ने दिए जिसमें न सिर्फ सिख इतिहास की बात की थी बल्कि औरंगजेब के उस दौर को भी याद दिलाया था जब सिख गुरुओं ने एक तरह से एक जीवन, एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए अपनी बड़ी कुर्बानियां दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरह से पीएम मोदी जिस तरह से हम जानते हैं कि किस तरह से जो वीर बाल दिवस हम मनाते हैं, किस तरह की कुर्बानी देनी पड़ी है सिख समुदाय को, गुरु तेग बहादुर जी ने किस तरह की कुर्बानी दी, और उन कुर्बानियों को आज इस वक्त याद करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस दौरान जो लाल किले जब वो गए थे तो स्मारक टिक्का, माफ कीजिएगा, सिक्का भी जारी किया था उस वक्त 400वां प्रकाश पर्व पर। तो निश्चित तौर पर जो मजहबी कट्टरता थी उस वक्त की, उन्होंने पीएम मोदी ने कहा था कि उसके आगे चट्टान की तरह तेग बहादुर जी खड़े हो गए थे, तो जाहिर तौर पर उस संदेश की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है। मजहबी कट्टरता की बात हो, जातीय कट्टरता, तो वो तमाम चीजें उसके आगे हम सबको एकजुट तरीके से खड़े होने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि किस श्रद्धा के साथ अभी जो इकबाल सिंह लालपुरा जी के निवास स्थान पर जो कार्यक्रम चल रहा है, सिख समुदाय से जुड़े हुए तमाम प्रमुख व्यक्ति धर्मावलंबी भी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी प्रार्थना अरदास में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर वो अरदास यही कर रहे होंगे भारत के कल्याण के लिए, भारत के भविष्य के लिए। वो जो एक बात हर 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 जगह करते रहते हैं, तो वो
निश्चित तौर पर आज गुरु नानक, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु पर्व की संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो गुरु नानक देव जी के जो संदेश हैं, तमाम गुरुओं के जो संदेश हैं, उन संदेशों को किस तरह से आगे बढ़ाने की इस वक्त भी आज जरूरत है, जब दुनिया में हम जानते हैं कि कई देशों के बीच एक तरह से युद्ध जैसी स्थितियां हैं, हिंसा का रास्ता है। कई बार हम जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश को एकजुट करने के लिए कई तरह के प्रयासों की जरूरत होती है। देश पर आज भी हम जानते हैं कि सीमा पार से किस तरह के खतरे होते हैं, सिख समुदाय के ऊपर सीमा पार से विदेशों से एक तरह से हमलों की कोशिश होती है विभिन्न तरीकों से, तो उसमें निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों के आगे एकजुट तरीके से खड़े होकर एकता के साथ, एकजुटता के साथ ही उनका मुकाबला सामना किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज इस पूर्व संध्या पर, गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर, ये एक बड़ा संदेश पीएम मोदी का हो सकता है। तो साथ ही साथ किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, समर्थ बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उसमें सबको मिलकर सबके प्रयास की क्या क्या अहमियत है, उसकी बात पीएम मोदी कर सकते हैं। ऋतु जी, सुधाकर, हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से आपने भी बात की कि एक वो दौर भी था जिस समय सिख गुरुओं ने समाज को नए न सिर्फ संदेश दिए बल्कि किस तरह से आतताइयों से लड़ा जाए, उनके उस समय के उस दमन के उस दौर से खुद को बचाया जाए और उसका जवाब दिया जाए, उसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां सिख गुरुओं ने और सिख समुदाय ने दी हैं। हम जानते हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया और दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा उसका एक तरह से एक बड़ा उदाहरण है उस टकराव का, और उस टकराव के बाद किस तरह से उस बलिदान को देते हुए भी घुटने नहीं टेके गए। क्या आपको लगता है आज के दौर में वैश्विक चुनौतियां भी हैं, तो ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए बड़े संदेश हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए गुरुओं के बलिदान ने देश की पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने की एक तरह से प्रेरणा दी है। हम जानते हैं कि दुनिया में बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, कितने तूफान आए, शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी मौजूद है, आगे बढ़ रहा है। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि भारत का जो हमेशा नजरिया रहा है, इन तमाम गुरुओं का नजरिया रहा है, तो वो जग कल्याण का नजरिया रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात इन तमाम गुरुओं ने भी की है। हम एक तरह से भारत पूरे विश्व की प्रगति का लक्ष्य सामने रखता है। आज भी जो हमारा सिख समाज है उसकी पहचान एक तरह से एक नई सोच पर, लगातार परिश्रम पर, समर्पण पर आधारित है। और पीएम मोदी इस बात को कहते रहे कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमारा भी यही संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने पहचान पर गर्व करना है, उस पहचान पर गर्व करते हुए हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, हमें ऐसा भारत बनाना है जिसकी ताकत पूरी दुनिया देखे, ऐसा भारत जो दुनिया को भी नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास और प्रगति तो हमारा कर्तव्य तो है ही, इसके लिए सबके प्रयास की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ भारत विश्व को भी एक तरह से रास्ता दिखाए इन गुरुओं के संदेशों को आगे बढ़ाते हुए। तो ये एक संदेश भी रहा है, पीएम मोदी इसकी बात लगातार कहते रहे, तो एक तरह से पीएम मोदी इस बात को भी रेखांकित करते रहे कि गुरुओं ने जिस तरह से हमारे देश के संस्कृति की, सम्मान की, रक्षा की बलिदान देकर, तो उस परंपरा को एक तरह से याद रखने की, हमेशा निभाने की जरूरत है, उसकी बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे। और जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पीएम मोदी इस बात को भी कहते रहे कि आजादी कोई एक तरह से कुछ वर्षों का संघर्ष का परिणाम नहीं है, भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा रही है उससे अलग उसको रखकर नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस वक्त हमको अपने पुरखों पर, अपने गुरुओं पर, अपने इतिहास पर, अपने संस्कृति पर, अपने विरासत पर, उसको गर्व करते हुए, गुलामी के प्रतीकों को छोड़ते हुए, गुरुओं के, गुरु नानक जैसे महान गुरुओं के संदेशों पर चलते हुए
देश के कल्याण के साथ वैश्विक कल्याण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना है। तो ये एक पीएम मोदी का लगातार संदेश रहता है। जी सुधाकर, देश दुनिया में इन तस्वीरों को देखा जा रहा होगा, प्रधानमंत्री इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए, विशेष अरदास भी की गई है, माथा टेका प्रधानमंत्री ने। ये संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि विश्व में, हम जानते हैं सिख समुदाय के लोग जहां जहां हैं वहां वहां ये तस्वीरें गई हैं, और इन तस्वीरों के साथ ही वो तस्वीरें भी शायद लोगों को याद आती होंगी जब लाल किले पर प्रधानमंत्री उस समारोह में पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए आप याद कीजिए, लगातार शायद ही मुझे लगता है कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ कोई स्थल होगा जहां पीएम मोदी ना गए हो। एक बार नहीं, कई बार उनका विजिट हुआ, चाहे अमृतसर की बात हो या फिर हम जानते हैं डेरा नानक की बात हो, या फिर हम जानते हैं कि गुजरात में एक प्राचीन गुरुद्वारा, 200-300 साल पुराना गुरुद्वारा था जो भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां गुरु नानक देव जी के पांव पड़े थे, उसको किस तरह से पीएम मोदी ने, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे, उसको संरक्षित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो एक तरह से हर एक प्रयास, और ये तस्वीरें देखिए आज जिस प्रेम भाव के साथ, जिस आस्था के साथ, जिस तरह से प्रार्थना पीएम मोदी ने वहां अरदास में वो शामिल हुए, जिस तरह से उन्होंने मत्था टेका, तो ये एक तरह से हर भारतीय को, सिख समुदाय के हर धर्मावलंबी को, पूरी दुनिया में एक तरह से अभिभूत करती है कि पीएम मोदी किस तरह से गुरु नानक जैसे देवों को, उनके संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। तो ये जो एक सहज भाव पीएम मोदी का इन तस्वीरों में दिख रहा है, और बीते कई वर्षों से ये भाव सिख समुदाय, हर भारतवासी देखता आया है, निश्चित तौर पर आज जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे तो उनका उनका जो एक तरह से बीते कई दशकों से सिख समुदाय के साथ उनका जो कनेक्ट रहा है, उनके साथ जो संवेदनशीलता रही है, एक तरह से सिख समुदाय की भावनाओं को, सिख गुरुओं के संदेशों को जो उन्होंने जिया है, तो उस मुझे लगता है कि उन संदेशों में, पीएम मोदी के संबोधन में वो रिफ्लेक्ट भी होगा। निश्चित तौर पर आज इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के सिख समुदाय देख रहे होंगे। जी सुधाकर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम वो प्रयास रहे हैं मोदी सरकार के, उन प्रयासों में हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार ने एक तरह से आतंकवाद को लेकर नो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर काफी सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को अपने कुछ शुरुआती कार्यक्रमों, प्रायोरिटीज में प्राथमिकता देते हुए उसे पूरा करना, ये साफ बताता है कि सिख श्रद्धालुओं को सुविधा हो, उनकी जो श्रद्धा है उसको एक ताकत मिले, उनकी सुविधा के लिए इस पूरे कॉरिडोर को पाकिस्तान के साथ मिलकर उसे पूरा करना और लोगों को एक सुविधाजनक एक तरह से तीर्थ यात्रा कर सके इसके लिए रास्ता बनाना, ये भी एक तरह से सरकार की उस इच्छा शक्ति को दर्शाता है जिसमें राजनीतिक चीजें दूसरी तरफ है लेकिन समाज को जोड़ने वाली जो तमाम कदम है उन पर पीछे नहीं हटी है सरकार। बिल्कुल देखिए, और ऋतु देखिए, हम जानते हैं कि करतारपुर वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी का स्मारक है, तो सिख समुदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण और हर भारतवासी के लिए एक तरह से कितना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन 72 साल लग गए प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो वो एक तरह से उसको वो जो 6-7 दशक तक वो चीजें सिख समुदाय की जो एक डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उस डिमांड को कहीं पूरा किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो हम वही बात कह रहे हैं कि एक तरह से वो जो इच्छा शक्ति चाहिए, अगर आप आपकी संवेदनशीलता है, आप प्रेम करते हैं तो आपके पास एक इच्छा शक्ति भी होती है। बीती सरकारों में वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी थी, सिख समुदाय को चाहे न्याय दिलाने की बात हो या उनके गुरुओं के संदेशों को आगे बढ़ाने की। और ठीक यही बात 1984 का कत्लेआम किसको याद नहीं होगा, और आपको याद है कि पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही अगर सबसे पहला अगर कोई डिसीजन लिया था तो 1984 के दंगों के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एसआईटी के गठन का एक तरह से वो उन्होंने किया था। हमने देखा कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को किस तरह से एसआईटी के निर्माण के बाद उसके जरिए सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सका। तो 35 साल बाद
सिख समुदाय के जो पीड़ित थे, दंगों के पीड़ित थे, उनको अनुदान की राशि मिल पाई। तो देखिए कितना लंबा अरसा लग जाता है। 84 के बाद एक और चीज क्या हुई थी ऋतु, एक ब्लैक लिस्ट तैयार कर दी गई थी कि कई लोग विदेश चले गए थे, तो एक तरह से उनका कहीं कोई रोल नहीं था तमाम चीजों में, लेकिन उस समय की सरकारों ने एक ब्लैक लिस्ट तैयार कर दी थी कि वो देश वापस नहीं आ पाएंगे। उस काली सूची को, ब्लैक लिस्ट को पीएम मोदी ने खत्म किया। वो तमाम सिख धर्म के लोग जो विदेशों में चले गए थे वो भारत आ सकते थे, अब आ सकते हैं। तो वो एक तरह से जो हजारों इस तरह के जो सिख नौजवान थे उनको जो पासपोर्ट दिलाने का काम उनको उसको पीएम मोदी ने पूरा किया। हम जानते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर की आपने बात की, करोड़ों सिख समुदाय जो उनका एक तरह से ये डिमांड था, विदेशों से दान लेने पर प्रतिबंध था, अमृतसर के जो गोल्डन टेंपल में उस प्रतिबंध पर एक तरह से उसको मोदी सरकार ने हटाने का काम किया। विश्व के किसी भी देश के लोग श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में दान दे सकते हैं। पीएम मोदी ने जो सिख समुदाय से जुड़े हुए जो बड़े शहर हैं उन शहरों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए देश भर में, तो उसको उन्होंने चाहे रेल मार्गों से चाहे एयर रूट से उसको कनेक्ट करने का, ताकि कोई तीर्थयात्री पूरे देश की सहज तरीके से यात्रा कर सके। इसी तरह आपको याद होगा कि सिख समुदाय एक तरह से 550वां प्रकाश वर्ष गुरु नानक देव जी का किस तरह से मनाया गया, उनके विचारों के प्रसार के लिए हमारे देश के कई यूनिवर्सिटी में और विदेशों में भी जो चेयर है जो उनसे जुड़े संदेशों की पढ़ाई के लिए उसके लिए अवसर पैदा किए गए। 350वां प्रकाश पर्व आपको याद होगा गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले से के पर जो कार्यक्रम हुआ था, और उसके अलावा भी देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी का। हम जानते हैं कि सुल्तानपुर लोधी जो गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ था उसका किस तरह से एक तरह से उसको भव्य रूप दिया गया। तो एक तरह से कई इस तरह के उदाहरण हैं प्रधानमंत्री मोदी, और लगातार वो एक उनका कनेक्ट आप देखिए, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रतीक स्वरूप को अफगानिस्तान से देश लाने की बात थी, तो उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को सीधे एयरपोर्ट भेजा जब भी इस तरह की बात आई, तो वो अपने सिर पर माथे पर नंगे पांव किस तरह से, वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। तो पीएम मोदी बिल्कुल सुधाकर, अफगानिस्तान से जब गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान भारत लेके आया गया, और यही नहीं अफगानिस्तान के उस संकट में सिख समुदाय को भी किस तरह से निकाल के लेके आया गया, इसी के साथ हमने देखा है कि राजनीतिक दल अपने तरीके से इस पे कटाक्ष और आलोचनाएं करते रहते हैं, लेकिन इस तमाम इन कदमों को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि किस तरह से अन्य देशों में उत्पीड़न का शिकार सिखों को मोदी सरकार ने CAA नागरिकता पहचान नागरिकता संशोधन कानून के तहत देश में एक तरह से पूरी कानूनी पहचान दी है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इस पर तमाम राजनीति करती रही हैं। सुधाकर जी सुधाकर जी देखिए हम जानते हैं कि अभी एक तरह से सिख समुदाय अफगानिस्तान से जो लोग आए थे उनको 24 घंटे के भीतर उनके लिए वीजे की व्यवस्था करना, स्पेशल प्लेन किस तरह से भेजा गया, हम जानते हैं अफगानिस्तान से जो लोग भारत आना चाहते थे उनके लिए, अब वही बात कर रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनको रिसीव करने के लिए, तो एक जो उनके मन में भावना है, हर एक भारतवासी जो देश के बाहर है अगर किसी तरह की उनको चिंता है, और अगर सिख समुदाय का कोई व्यक्ति अगर उसको भारत आने की इच्छा है, अगर वो किसी तरह की परेशानी में घिरा हुआ है, तो उनके लिए वो याद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए, और देखिए इस बात की चर्चा विदेशों में भी होती है कि किस तरह से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए भारत के विभिन्न समुदायों की रक्षा के लिए पीएम मोदी हमेशा तत्पर रहते हैं, और इसकी चर्चा हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह से होती है। तो एक वैश्विक नेता के तौर पर और निश्चित तौर पर आज एक अहम भूमिका है एक ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि कई बार सोशल मीडिया के जरिए विदेशी ताकतों के जरिए उन ताकतों के जरिए
जो भारत की प्रगति को नहीं चाहती है, समुदायों के बीच जो फूट डालना चाहती है, तो तमाम तरीके से कोशिशें होती है, तो उसमें जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका पीएम मोदी के इन प्रयासों की है, गुरु नानक देव जी के संदेशों की है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आज इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है। हम जानते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी इन तस्वीरों में गुरु के अरदास में, उनकी प्रार्थना में लीन नजर आ रहे हैं, गुरु नानक देव जी के वचनों को, उनके भजनों को सुन रहे, जिस तरह से उन्होंने, हमने देखा तस्वीरों में कई बार वो मत्था टेकते हुए नजर आए, वो इस तरह का एक तरह से ये समर्पण, समर्पण के साथ संकल्प ये कि हमें अपने देश का निर्माण सबके प्रयासों से इन गुरुओं के सपनों जैसा बनाना है, तो वो एक संकल्प, उसकी तस्वीर इन आज दिखाई दे रही है इकबाल सिंह लालपुरा जी के आवाज पर। जी क्या सुधाकर आप ये मानते हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल रिपोर्टर भी हैं, अल्पसंख्यक समुदायों की जब बात होती थी तो देश में तमाम अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जिक्र नहीं होता था, ऐसा देखा गया है, जिसे कि उस सोच को मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बदला है। आज देखिए, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हम जानते हैं खासतौर से उसमें बड़ा एक भूमिका मुसलमानों की भी है, लेकिन अगर आप उनकी भी देखेंगे तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जो उनको स्कॉलरशिप उस वक्त नहीं मिला करती थी साल 2014 से पहले, तो रिकॉर्ड नंबर में स्कॉलरशिप देने की बात हो, या फिर उनके जो बच्चों के पढ़ाई की जो बेहतर व्यवस्थाएं हुई है उसकी बात, तो एक पुरातन पंथी सोच से अलग इस सोच के साथ वो भारत के प्रधान सेवक हैं, और हर समुदाय के लिए एक तरह से संविधान की भावना के अनुसार, देश की भावना के अनुसार उनको योगदान देना। तो आज देखिए, भारत का अल्पसंख्यक समुदाय, हर समुदाय आज देश में सबसे ज्यादा किसी भी समुदाय की तरह अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित मानता है, लेकिन आज वो समझ रहा है कि 70 वर्षों बाद उनको आगे बढ़ने का, आत्मविश्वास हासिल करने का, तरक्की करने का एक बहुत बड़ा मौका, आधार उनको मिल रहा है। और देखिए, पीएम मोदी की जो आज भावनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, माफ कीजिएगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हो, हर माता को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात हो, शौचालय जिस तरह से उपलब्ध कराया गया, तो कहीं कोई इसमें समुदाय की भावना देखकर नहीं, जिनको जरूरत है, जो तमाम जरूरतमंद है, और हर व्यक्ति के पास अपना एक छत हो, तो उस तरह की एक सोच के साथ, अब वो सोच तब वो होती है जब पूरे भारत के कल्याण की, हर समुदाय के कल्याण की भावना रहती है, संविधान को एक तरह से लेटर एंड स्पिरिट में निभाने का एक सोच रहती है। हम जानते हैं कि जिस हम्बल बैकग्राउंड में से पीएम मोदी आते हैं, उन्होंने जो गरीबी देखी है, इस तरह से बहुत तमाम चीजें उन्होंने देखी, इमरजेंसी का वक्त हो, 1984 हो, तमाम तरह की उन्होंने देश में जो चीजें देखी है, उसमें देश के सभी लोगों को उन्होंने, पीएम मोदी ने ही सबके प्रयास की बात की थी, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि सबके प्रयास के साथ ही देश को आगे लेकर जाया जा सकता है, देश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करेंगे तो आज उनके लिए जिस तरह के अवसर हैं, चाहे मुद्रा स्कीम के जरिए बात करें, स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए बात करें, तो एक तरह से बिना किसी भेदभाव के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने की वो कोशिश आज नजर आती है। और सिर्फ एक समुदाय नहीं, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, सिर्फ सिख की बात नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म की बात नहीं है, जैन समुदाय की बात नहीं है, सिर्फ पारसी समुदाय की बात नहीं है, हर एक अल्पसंख्यक आज एक तरह से गौरव के साथ, आत्मविश्वास के साथ पीएम मोदी के एक तरह से हाथों को, उनके उनको सपनों को मजबूत बनाने में जुटा है, और ये बीते 8 वर्षों में आज संभव हुआ है। अगर किसी को कहीं अन्याय लगता है तो वो आज सीधे पीएम मोदी से संपर्क कर सकता है। किस तरह से वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, आप इस बात को देखिए। और आज देश में अगर आप बात कीजिए, आप सिक्योरिटी के लिहाज से, हम जानते हैं कि सामूहिक दंगे और ये तमाम चीजें 2014 से पहले किस तरह की, ये आप लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह में शामिल हुए हैं, प्रार्थना में हिस्सा लिया, विशेष अरदास की गई। मैं हुण बेनती करांगा प्रधानमंत्री साहब नू ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੇ पवित्र पर्व के इस आयोजन पर हमारे साथ उपस्थित सरकार में मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, श्री जॉन बारला जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री लालपुरा जी, सिंह साहब भाई रंजीत सिंह जी, श्री हरमत सिंह कालका जी और सभी भाइयों बहनों, मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है, विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काफी लंबा समय पंजाब की धरती पर बिताया है और उस दौरान मुझे कई बार गुरुपर्व पर अमृतसर में हरमिंदर साहब के सामने मत्था टेकने का सौभाग्य मिला है। अब मैं सरकार में हूं तो इसे भी मैं अपना और अपनी सरकार का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि गुरुओं के इतने अहम प्रकाश पर्व हमारी सरकार के दौरान आए। हमें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। हमें गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला और जैसा अभी बताया गया लाल किले पर, तो बहुत एक ऐतिहासिक और पूरे विश्व के एक संदेश देने वाला कार्यक्रम था। 3 साल पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव भी पूरे उल्लास से देश और विदेश में मनाया है। साथियों, इन विशेष अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला, उनकी जो प्रेरणा मिली, वो नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बढ़ा रही है। आज जब हम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं कि इन वर्षों में गुरु आशीर्वाद से देश ने कितनी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथियों, प्रकाश पर्व का जो बोध सिख परंपरा में रहा है, जो महत्व रहा है, आज देश भी उसी तन्मयता से कर्तव्य और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हर प्रकाश पर्व का प्रकाश देश के लिए प्रेरणा पुंज का काम कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलौकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का, सेवा में सहभागी होने का अवसर मिलता रहा है। गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाने का ये सुख मिलता रहे, गुरुबाणी का अमृत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनंद आता रहे, इससे जीवन के संतोष की अनुभूति भी मिलती रहती है और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करने की ऊर्जा भी अक्षय बनी रहती है। इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और हमारे सभी गुरुओं के चरणों में जितनी बार भी नमन करूं वो कम ही होगा। साथियों, गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीर्त करो, वंड चको, यानी ईश्वर के
नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और हमारी आध्यात्मिक पहचान पर गर्व का भाव जागृत किया है। आजादी के अमृत काल को देश ने कर्तव्य की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए कर्तव्य काल के रूप में माना है और आजादी के इस अमृत काल में देश समता, समरसता, सामाजिक न्याय और एकता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। यानी जो मार्गदर्शन देश को सदियों पहले गुरुवाणी से मिला था, वो आज हमारे लिए परंपरा भी है, आस्था भी है और विकसित भारत का विजन भी है। साथियों, गुरु ग्रंथ साहब के रूप के हमारे पास जो अमृत वाणी है, उसकी महिमा, उसकी सार्थकता समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। हम ये भी देखते हैं कि जब संकट बड़ा होता है तो समाधान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज विश्व में जो अशांति है, जो अस्थिरता है, आज दुनिया जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें गुरुओं साहब की शिक्षाएं और गुरु नानक देव जी का जीवन एक मशाल की तरह विश्व को दिशा दिखा रहा है। गुरु नानक जी का प्रेम का संदेश बड़ी से बड़ी खाई को पाट सकता है और इसका प्रमाण हम भारत की धरती से ही दे रहे हैं। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने खान पान, रहन सहन के बावजूद हम एक हिंदुस्तानी होकर रहते हैं, देश के विकास के लिए खुद को खपाते हैं। इसलिए हम जितना अपने गुरुओं के आदर्शों को जिएंगे, हम जितना आपसी विभेदों को दूर करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेंगे, हम जितना मानवता के मूल्यों को प्राथमिकता देंगे, हमारे गुरुओं की वाणी उतनी ही जीवंत और प्रखर स्वर से विश्व के जन जन तक पहुंचेगी। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद गार्ड से हेमकुंड साहब के लिए रोप वे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हरमंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है, इसमें हमारे तीर्थों की ऊर्जा, सिख परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोध भी जुड़ा है। ये बोध सेवा का है, ये बोध स्नेह का है, ये बोध अपनेपन का है, ये बोध श्रद्धा का है। मेरे लिए शब्दों में बताना कठिन है, जब दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला था, हमारा प्रयास रहा है कि सिख परंपराओं को सशक्त करते रहें, सिख विरासत को सशक्त करते रहें। आप भली भांति जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालात बिगड़े थे, वहां हिंदू सिख परिवारों को वापस लाने के लिए हमने अभियान चलाया,
गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भी देश ने की है। देश के कोने कोने में भारत की आज की पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ियों है, ये जाने तो सही कि इस महान धरती की क्या परंपरा रही है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए साहब जादव जैसा बलिदान देना कर्तव्य की वो पराकाष्ठा है जो पूरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी। साथियों, विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है। विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने CAA कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा, गुजरात ने विदेश में पीड़ित और प्रताड़ित सिख परिवारों को नागरिकता देकर उन्हें एहसास दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी है, भारत उसका अपना घर है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे गुरुद्वारा कोट लखपत साहब के गिरणोद्धार और कायाकल्प का सौभाग्य भी मिला था। साथियों, इन सभी कार्यों के निरंतरता के मूल में गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग की कृतज्ञता है। इस निरंतरता के मूल में गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह के असीम बलिदानों का ऋण है, जिसे पग पग पर चुकाना देश का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है गुरुओं की कृपा से भारत अपनी सिख परंपरा के गौरव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर गुरु चरणों में नमन करता हूं। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को गुरु पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिहाल। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री साहब जी का और आईया हुई समुची संगतों का। लालपुरा साहब वालों, परिवार वालों सब का धन्यवाद किया जाता। वख वख संप्रदावां, वख वख जथेबंदियां देश के हर कोने के विचों वख वख सिख नुमाइंदगियां कर रही, सारिया का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही लालपुरा साहब ने एक बेनती की है कि ग्लोबल पंजाबी एसोसीएशन जिन्हों के नाल उन्हों का निघा संबंध है, उन्हों की भी रिप्रजेंटेशन हो रही है, जिहड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत वड्डे कारज कर रही है। और वो प्रधानमंत्री साहब तो भी कुछ समा लैके देश के विच एक वड्डे प्रोजेक्ट्स जिहड़े कैंसर नू दी प्रक्योर करन वैसे काम कर रहे हैं, उन्हों की भी इत्थे शमूलियत पाई जा रही है। उन्हों का भी धन्यवाद। मैं समुची संगत नू बेनती करांगा, गुरु महाराज की देख लैन तो बाद सारिया ने इत्थे ही लंगर की पंगत दे विच बहना है और लंगर की सेवन करके जाना है। गुरु महाराज का सुखासन होना है। सारिया का एक बार लालपुरा साहब के वलों आए हुए सारे ही परिवारों का, सारे ही संबंधियों का, सारी जथेबंदियों के मुखिया का, हरियाणा कमेटी वालों भी इत्थे रिप्रजेंटेशन प्रधान साहब कर रहे हैं, मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप देख रहे हैं श्री गुरु नानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, विशेष अरदास में हिस्सा लिया और साथ ही उन्होंने यहां जब संगत को संबोधित किया तो इस मौके पर उन्होंने बहुत साफ कहा, प्रकाशोत्सव के
अवसर की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने जो हमें जीवन जीने की राह दिखाई है उसी पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आजादी के अमृतकाल में देश इसी मंत्र पर चलकर अपनी आध्यात्मिक पहचान को आगे लेकर चलने का संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, गुरु नानक देव जी का संदेश और आदर्श विश्व को नई राह दिखाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दुनिया में तमाम देशों में अगर किसी भी तरह का संकट सिख समुदाय के सामने हो और आता रहा है तो उसके समाधान के लिए भी सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। तो ये दृश्य आप देख रहे थे, गुरु नानक देव जयंती समारोह में हिस्सा लिया अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।